नमस्कार दोस्तों, आज का हमने पहला ट्रेड ले लिया है और मेरा ख़रीदारी है 1 से 21 रुपये 16 पैसा पर, और आज मेरा क्वांटिटी है 500 क्वांटिटी। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेरा कैसे कैसे प्रॉफिट चल रहा है। तो ये बहुत क्विक सा स्केल्पिंग है, इसमें अगर जो मेरा प्रॉफिट होता है तो 5,000 तुरंत हो जाएगा, नहीं तो अगर जो हम लॉस देंगे तो खूब से खूब लॉस देंगे तो 1500 के आसपास हम लॉस देंगे। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, ये ट्रेड केवल 5 मिनट के अंदर में होगा। चलिए, लगता है कि नीचे आ रहा है, अगर जे इसके नीचे जाएगा तो हम कट कर देंगे, क्योंकि 3 पॉइंट से ज़्यादा हम लॉस नहीं देने वाले हैं और 2 पॉइंट मेरा लॉस हो चुका है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, अगर 3 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो हम निकल जाएंगे। पिछला कैंडल का 1 मिनट के चार्ट पर हम कर रहे हैं, पिछला कैंडल का जैसे लो तोड़ दिया वैसे हम निकल जाएंगे, कॉल साइड में ट्रेड लिए हुए हैं। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आप लोग इस समय चार्ट भी देख सकते हैं, हम चार्ट दूसरे टाइम में देख रहे हैं। तो देखिए, अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन देखिए जा रहा है, अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा कोई बात नहीं, ये चल दिया जाएगा, या फिर जो मेरा टारगेट होगा तो टारगेट लिया जाएगा। देखिए 700-800 के आसपास चल रहा है, 600 चल रहा है, 900, 471 रुपया, 200 माइनस, कोई बात नहीं। देखिए इंतज़ार कीजिए, 400, 500, 300, देखते रहिए इसको, अच्छा से देखते रहिए, क्योंकि मार्केट है थोड़ा मोमेंटम में है। एक कैंडल ऊपर जाएगा तो आराम से टारगेट दे देगा, टारगेट देने में कोई कमी नहीं करता है। चलिए देखिए नीचे जा रहा है, चलिए देखते हैं, अब नहीं होगा तो पिछला कैंडल का लो तोड़ने जा रहा है, नहीं होगा तो निकल सकते हैं, क्योंकि 1500 से ज़्यादा इसमें हम लॉस नहीं देने वाले हैं और टारगेट रहेगा कम से कम 10 पॉइंट का, यानी 5,000 प्रॉफिट का। 500, 400, 700, 1,000, इसके पहले मेरा सॉलिड सॉलिड 2-3 ट्रेड छूट गया था, नहीं तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, ये ट्रेड हमको नहीं लेना पड़ता। थोड़ा सा मार्केट लगभग 11 बजे के आसपास ट्रेड लिए हुए हैं तो लगभग साइडवेज सा हो गया है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। 800, 900, 600, 800, 1100, चलिए अब निकालना पड़ेगा, 1900 हो गया लॉस, 1900 हो गया, 2 हमको 1500 से ज़्यादा नहीं देना था। चलिए अब निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए निकल गए। अब दूसरा ट्रेड लेते हैं तो आप लोग को हम बताते हैं। मेरा पहला ट्रेड में लॉस हुआ है 1328 रुपया, दूसरा ट्रेड लेने के बाद आपको हम बताएँगे। तो दूसरा ट्रेड देखिए, इंतज़ार कीजिए कब बनता है, क्योंकि देखिए बहुत छोटा छोटा स्केल्पिंग कर रहे हैं, लॉस होगा तो बहुत छोटा छोटा लॉस होगा, मैंने तो मानते हैं 1000, 1200, 1500, 2000, लेकिन वहीं प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा ट्रेड हम ले चुके हैं, अब देखिए जो ट्रेड लिए थे जो प्रीमियम में, उसी प्रीमियम में ये भी ट्रेड लिए हुए हैं। तो आज का मेरा ये दूसरा ट्रेड है, आप लोग देख सकते हैं कि पहला ट्रेड में मेरा 1300 रुपया लॉस हुआ था और उसी में हम लिए हैं। तो अब देखिए, इसका इंतज़ार कीजिए, ये जो कैंडल बन रहा है तो इसके लो का एसएल रहेगा हम लोग का, यहीं समझिए खूब से खूब मेरा लॉस होगा, तो हमको लगता है यहाँ से 2 से 3 पॉइंट का मेरा लॉस होगा। तो चलिए, 600 रुपये जो लॉस दिखा रहा है, तो जो पहले 1300 था वो 1300 घट कर आ गया है 600 के आसपास, 500 के आसपास। तो अब देखिए हमको कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि देखिए अभी मैंने वो घट के आया हुआ, ये इस ट्रेड में मतलब कि ये लॉस नहीं है। चलिए, जो था सब मेरा लॉस था वो कम करके आ गया 48 रुपये, 148 रुपये प्रॉफिट में आ गए। अब देखिए आगे कितना तक देता है, कम से कम हम लोग को 145 तक का टारगेट हिट करना पड़ेगा, तब जाकर मतलब कि अच्छा खासा कुछ पैसा आज आएगा। और आज थोड़ा सा हम अपने स्ट्रेटजी में बदलाव किए हुए हैं कि 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आज का ये मेरा दूसरा ट्रेड है। देखते हैं, चलिए 500, अब जो मेरा 1300 लॉस था उसको कवर करके ये 200-300 प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं पिछला कैनल का लो तोड़ेगा तो हम तुरंत निकल जाएंगे, या फिर देखते हैं कि कहां तक जाता है। चलिए, 1000 प्रॉफिट हो गया, हम मानते हैं 1300 वो और 1000 ये, 2324 इसके वाली ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, 1200 हो गया, 1500 हो गया, चलिए अपना टारगेट की तरफ जाते हुए चलिए निकल गए। तो कुल आज के मेरा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि एक ट्रेड में मेरा 1300 लॉस था और दूसरा ट्रेड में ये हम अच्छा खासा बना लिए, यानी समझिए कि 1700 और 1300, यानी 3000 के आसपास इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो कुल आज का मेरा प्रॉफिट हो गया
1762 रुपया। धन्यवाद।